हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर में। और सिलेक्शन मेंटोर की ये सीरीज स्पॉटलाइट ऑफ करंट अफेयर्स है। इसमें 19 और 20 अगस्त 2019 की करंट अफेयर्स आपको एक साथ मिलेगी और ये करंट अफेयर्स जो है वो सिलेक्शन मेंटोर की तरफ से आपको प्रस्तुत की जा रही है। दोस्तों, 19 और 20 अगस्त में 17 और 18 अगस्त की मैंने आपको प्रस्तुत की थी, आपको दी गई हैं ये करंट अफेयर्स। 19 की नहीं दी गई है तो 19 और 20 की दोनों की एक साथ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो 90th और 20th अगस्त ये स्पॉटलाइट ऑफ करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको ये डेली करंट अफेयर्स जो है वो आराम से हमेशा मिलते रहें। ये सेशन सुबह 6 बजे होता है, ऑलमोस्ट सुबह 6 बजे सेशन आपको मिलता है, लेकिन कभी कभी अगर ये चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं तो हम उस दिन किसी दूसरे समय पर आपको इसको प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। तो ऑलमोस्ट तो आपको ये सुबह 6 बजे हर दिन मिलेगा। तो दूसरी बात ये है, व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 9121815869 पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और इस पर आपको जोड़ा जा सकता है व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। प्रेजेंटली इस समय हमारी टीम फोकस कर रही है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आरआरबी एनटीपीसी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर हमें अपना मैसेज लिख करके आरआरबी लिख करके ड्रॉप कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर सिलेक्शन मेंटर टाइप करना है और वहाँ पर आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड बंकर म्यूजियम? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने बंकर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपको बताना है इसका उत्तर, फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी हाल ही में बंकर संग्रहालय जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, केरला एंड तमिलनाडु। तो इन चार में से कहाँ पर इसका सही ऑप्शन है, इसको जरा फटाक से बताइएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। तो बंकर म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा, कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई इस रिलेटेड, बंकर म्यूजियम हैज़ वर्चुअल रियलिटी बूथ्स टू गिव इनसाइट टू विजिटर्स अबाउट 19th century व्हेन द बंकर वॉज क्रिएटेड टू फायर कैनन्स एट अप्रोचिंग द एनिमी शिप। तो वहाँ पर विरोधियों के या कह सकते हैं कि दुश्मनों के जहाज को नष्ट करने के लिए छुप करके कह सकते हैं कि तोप से प्रहार करने के लिए या गोला दागने के लिए, फायर करने के लिए जो है वहाँ पर एक बंकर बनाए गए थे। तो उसको बहुत ही करीब से उसको विजुलाइज किया जा सके, इसलिए वहाँ पर बंकर म्यूजियम बनाया गया है। तो बंकर म्यूजियम बनाया गया कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी विल एम्बार्क ऑन अ 3-day विजिट ऑफ विच कंट्री ऑन 23rd of August 2019। 23 अगस्त 2019 को PM मोदी किस देश के 3-दिवसीय दौरे पर जाएंगे? तो आपको बताना है, ऑप्शन है यहाँ पर UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन या दोनों में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शंस हैं। PM मोदी जो हैं वो भी हाल ही में 23 अगस्त 2019 को किस देश में जाएंगे 3-दिवसीय यात्रा पर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा UAE यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। तो ज़रा देखते हैं इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर लिखा है, PM मोदी विल रिसीव द ऑर्डर ऑफ जायद, द हाईएस्ट सिविल डेकोरेशन ऑफ UAE बाय द क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। तो यहाँ पर इस लाइन में आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए हैं। सबसे पहली बात वो ये है कि हाईएस्ट सिविल डेकोरेशन जो है ये UAE का है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद, और ये डेकोरेशन मिलने वाला है किसको? ये मिलने वाला है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। और ये इन्हें सम्मान ये कौन देगा? ये वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं, जो इस समय के वहाँ के बादशाह हैं अबू धाबी में, उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। तो आपको ये नाम भी याद होना चाहिए कि क्राउन प्रिंस कौन है UAE में, वह हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, विच वॉज कन्फर्ड अर्लियर इन 2019 फॉर गिविंग अ बिग बूस्ट टू बायलेटरल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। ये इस इनाम की घोषणा, सॉरी इस पुरस्कार को कह सकते हैं, इस सम्मान की घोषणा जो है वो पहले ही अप्रैल 2019 में करी गई थी और ये सम्मान अब प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। इससे दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार हैं, समझौते हैं और संबंध जो हैं उसमें बढ़ावा मिलेगा। लिखा है,
द रोबस्ट फ्लो ऑफ बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड एन एनुअल बायलेटरल ट्रेड ऑफ अबाउट 60 billion US dollars, द यूएस यूएई इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर. तो 60 billion US dollars के साथ यूएई जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. यूएई इज द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल फॉर इंडिया. यूएई भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल के लिए. इन बहरीन ही वुड लॉन्च द रिनोवेशन ऑफ टेम्पल ऑफ श्रीनाथ जी. और वहीं पर बहरीन में प्रधानमंत्री जी जो है वो एक मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे जो कि श्रीनाथ जी का टेम्पल कहला रहा है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वेयर द फिफ्थ मीटिंग ऑफ इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन विल बी हेल्ड. इंडिया नेपाल का ज्वाइंट सेशन जो है ये कहाँ पर होगा. वेयर द फिफ्थ मीटिंग ऑफ इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन विल बी हेल्ड. भारत नेपाल संयुक्त आयोग या कह सकते हैं सम्मेलन की पांचवी बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी. ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, लखनऊ, काठमांडू एंड मुंबई. तो लखनऊ, नई दिल्ली, काठमांडू, मुंबई में कहां पे सही ऑप्शन है उसको आपको बताना है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेटा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है काठमांडू. करेक्ट आंसर क्या है इसका, काठमांडू. तो काठमांडू पे जो है यहाँ पर ये मीटिंग संयुक्त करी जाएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हेन ह्यूमैनिटेरियन डे बिगेन, मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया जाना शुरू किया जा रहा है. तो ये है 17 अगस्त ऑप्शन है, 18 अगस्त है, 19 अगस्त है या 20 अगस्त. तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर है, करेक्ट आंसर है 19 अगस्त. 19 अगस्त को जो है ये मनाया जाता है. लिखा है द डब्ल्यू डी ए इज ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 19 अगस्त टू रिकोगनाइज द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन पर्सनल एंड दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज. तो ये उन लोगों की याद में किया जा रहा है जो मानवता के लिए अपना जीवन जो है वो त्यागते हैं, ठीक है, जो पूरा करते हैं उनके लिए, उनकी याद में ये दिवस मनाया जा रहा है. 19 अगस्त को मनाया जाएगा. कब मनाया जाएगा बेटा ये, 19 अगस्त को मनाया जाएगा. और इसकी थीम आपको याद रखनी है, इसकी थीम है वुमेन ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है. तो ह्यूमैनिटेरियंस, वुमेन ह्यूमैनिटेरियंस जो है ये इसकी थीम है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. वर्ल्ड फोटोग्राफी डे वॉज बींग ऑब्जर्व्ड ऑन, या कह सकते हैं बींग ऑब्जर्व्ड ऑन. वर्ल्ड फोटोग्राफी डे बींग ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जा रहा है. तो ये मनाया जा रहा है किस दिन, 19 अगस्त को मनाया जा रहा है, ठीक है. तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो है आपका ये भी कब मनाया जा रहा है, 19 अगस्त को मनाया जा रहा है, ठीक. चलिए तो ये दो क्वेश्चन आपको 19 अगस्त के मिल गए. अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट इदरीस देबी हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन टू ईस्टर्न प्रोविंसेस, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री. तो प्रेसिडेंट इदरीस देबी ने दो ईस्टर्न स्टेट्स में इमरजेंसी प्रोविंस, ईस्टर्न प्रोविंसेस जो हैं उसमें इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की घोषणा करी है. तो वो किस देश के हैं, जिस देश के हैं उसी देश के दो पूर्वी हिस्सों में उन्होंने आपातकाल की घोषणा करी है. तो वे किस देश के हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है. तो ऑप्शंस हैं नाइजीरिया, सूडान, चाड एंड लीबिया. सो करेक्ट आंसर आपको बताना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइजीरिया, सूडान, चाड या लीबिया. तो इस क्वेश्चन का बेटा करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर है आपका चाड. इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, चाड. तो यहाँ पर लिखा है द स्टेट इमरजेंसी विल रन फॉर 3 मंथ्स, ठीक है. स्टेट इमरजेंसी जो है वो कितने महीने के लिए लगाई जा रही है, 3 महीने लगाई जा रही है. और किन दो जगहों पर लगाई जा रही है, साइला और कोदाई, ठीक है. तो कोदाई और साइला यहाँ पर दो जगहों पर, दो क्षेत्रों में लगाई जा रही है, ठीक है. तो और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर, राष्ट्रपति जो हैं ये राष्ट्रपति कहाँ के हैं, ये राष्ट्रपति हैं चाड के. अगला क्वेश्चन है श्री जगन्नाथ मिश्रा पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वॉज द फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट. हाल ही में यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं नीचे, ये श्रीनगर जगन्नाथ मिश्रा जी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया. ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे. तो ऑप्शन है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपने पता कर लिया होगा अब तक, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बिहार. तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की ओर से 3 बार इनको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया था कांग्रेस का, ठीक है, बिहार का, ठीक, 3 बार. अगला क्वेश्चन है विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान हैज बीन ऑनर्ड विद
हाल ही में विंग कमांडर आनंद वर्तमान को सम्मानित किया गया है किस, कह सकते हैं कि पुरस्कार से? तो ऑप्शंस हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या कीर्ति चक्र। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है वो करेक्ट आंसर है वीर चक्र। तो हाल ही में इनको 15 अगस्त को जो है ये ऑनर दिया गया था वीर चक्र। वीर चक्र के बारे में यहाँ पर कुछ और पॉइंट लिखा हुआ है। वीर चक्र इज द थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड द परमवीर चक्र एंड महा आफ्टर द परमवीर चक्र एंड महावीर चक्र। तो परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद वीर चक्र जो है वो तीसरा युद्ध लिखा है थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ये युद्ध के समय में मिलने के समय में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। और आईएएफ स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल इनको युद्ध सेवा मेडल भी इनको युद्ध सेवा मेडल दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है इंडियन आर्मीज सैपर प्रकाश यादव, तो प्रकाश यादव जी को कीर्ति चक्र मिला है पोस्थमसली अर्थात मरणोपरांत जो इनको कीर्ति चक्र मिला। तो कीर्ति चक्र किसको मिला है? कीर्ति चक्र मिला है इंडियन आर्मी के सैपर प्रकाश जाधव को। और स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को मिला है युद्ध सेवा मेडल YSM। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन चीफ टू रिसीव फ्रेंच ऑनर, पहला इंडियन, सॉरी माफ कीजिएगा गलत पढ़ दिया मैंने यहाँ पर, द फर्स्ट इंडियन शेफ टू रिसीव फ्रेंच ऑनर। हाल ही में बताना है आपको कौन सा पहले भारतीय शेफ हैं जिन्होंने फ्रांसीसी सम्मान पाया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास प्रियम चटर्जी, विकास खन्ना, संजीव कपूर एंड रणवीर बरर। तो आपको ये चार ऑप्शंस मिल रहे हैं, इन चार ऑप्शन में सही आंसर है प्रियम चटर्जी। ठीक है, तो प्रियम चटर्जी जी जो हैं इनको फ्रांसीसी सम्मान मिला हुआ है। और इस फ्रांसीसी सम्मान को फ्रेंच लैंग्वेज तो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ के सुना सकता, लेकिन यहाँ पर लिखा है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो इसी को हम लोग नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट बोलते हैं। ऐसा सम्मान पाने वाले पहले भारतीय शेफ हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NPCI AEPS क्रॉस्ड हाउ मच ट्रांजेक्शंस इन जुलाई। मतलब NPCI के अकॉर्डिंग आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ने जुलाई में कितना लेन देन पार किया। तो AEPS का मतलब है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो जुलाई में कितना लेन देन पार किया, ये 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ या 50 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 करोड़। तो NPCI का यहाँ पर बेटा फुल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो 20 करोड़ है। NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। एंड AEPS का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हैज क्रॉस द माइलस्टोन्स ऑफ ओवर 220 मिलियन, यानी कि 220 करोड़ ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग जुलाई 2019। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु विल होस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2019। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2019 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन हैं आपके पास में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूपी एंड उत्तराखंड। चार ऑप्शंस हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका यूपी और उत्तराखंड। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 2019 की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। लिखा है J&K विल होस्ट 3-डे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2019 इन श्रीनगर। तो श्रीनगर में होगी और 12 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। ठीक है, 12 अक्टूबर से लेकर के प्रारंभ होगी और ये जो है कहाँ पे होगी, श्रीनगर में होगी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च ई सेटअप इनिशिएट टू एम्पावर स्टूडेंट स्टार्टअप्स। विच स्टेट लॉन्चेज ई सेटअप इनिशिएटिव टू एम्पावर स्टूडेंट स्टार्टअप्स। छात्र स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने ई स्टार्टअप की पहल की है या पहल की शुरुआत करी है? तो ऑप्शन है आपके पास में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एंड गोवा। और इसमें से करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। तो ये काम किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने किया है। और ये क्या है कि छात्रों के लिए स्टार्टअप को और सशक्त बनाने के लिए ई स्टेप नाम की शुरुआत करी गई है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रशिया टू बूस्ट टाई टू अचीव हाउ मच US बिलियन बायलेटरल ट्रेड बाई 2025। भारत और रूस 2025 तक कितना अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करने के लिए संबंधों को बढ़ावा देगा? ऑप्शंस हैं आपके पास में 20 US डॉलर, 30 US डॉलर,
$40 या $50। तो करेक्ट आंसर बेटा आपका इसमें है $30, $30। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, $30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच मनी इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू UN स्पेशल पर्पस ट्रस्ट फंड, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रयोजन ट्रस्ट फंड में भारत कितना योगदान दे रहा है, कितने रुपए का योगदान दे रहा है। तो यहाँ पर भारत के रुपए के योगदान देने के लिए चार ऑप्शंस हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन या 4 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 मिलियन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 1 मिलियन। अकॉर्डिंग टू UN इंफॉर्मेशन स्पेशल पर्पस ट्रस्ट फंड यानी SPTF इज अ स्पेसिफिक फंड हाउस्ड विद इन UN सेक्रेटरिएट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हाउस्ड विद इन UN सेक्रेटरिएट, UN सेक्रेटरिएट established to receive, consolidated, manage the contribution of financial transactions to new resident coordination system in a transparent and effective way। तो ये यहाँ पर ये यूनियन सेक्रेटरिएट के पास में रखा जाने वाला ये फंड होता है, जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है जिसको UN स्पेशल पर्पस ट्रस्ट फंड यानी SPTF, और इसमें भारत योगदान दे रहा है कितना, 1 मिलियन का। ठीक है, 1 मिलियन का योगदान दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच गेम इज इंक्लूडेड इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम, 2022 कॉमनवेल्थ गेम में किसे इंक्लूड किया गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, वुमेन्स T20, बीच वॉलीबॉल, पैरा टेबल टेनिस और ऑल ऑफ द एवब, या इनमें में से सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेटा, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहे हैं इसमें वुमेन्स T20 को भी शामिल किया गया है, बीच वॉलीबॉल को भी शामिल किया गया है और पैराटेबल को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑल द एवब, ये इसका सही आंसर है। और यहाँ पर नोट बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा है कॉमनवेल्थ गेम जो है 27 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक होंगे, यानी 27 जुलाई 2022 से 7 अगस्त 2022 तक खेले जाएंगे। प्लेस है बर्मिंघम पैलेस लंदन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार शूटिंग और आर्चरी को शामिल नहीं किया गया है इसमें, ये दो चीज़ें नहीं शामिल होंगी। और पिछला 2018 का जो कॉमनवेल्थ था वो कुआलालंपुर मलेशिया में खेला गया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PM मोदी रिसेंटली विजिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, हाल ही में किस देश की यात्रा, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो ऑप्शन हैं आपके पास में, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा भूटान। तो उन्होंने हाल ही में कहाँ की यात्रा करी है, भूटान की। और आपको साथ में यहाँ पर देख सकते हैं भूटान के प्राइम मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, और भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है लोटे शेरिंग। ठीक है, तो लोटे शेरिंग यहाँ पर जो है आपको दिख रहे हैं तस्वीर में। तो ये प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, भूटान के, और भूटान की हाल ही में ये दौरा किया है किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लिखा है रिसेंटली दूरदर्शन प्रोड्यूस्ड अ पेट्रियोटिक सॉन्ग वतन, इट वॉज संग बाय, हाल ही में दूरदर्शन ने प्रोड्यूस किया है, प्रस्तुत किया है वतन नाम का एक गीत, और ये गीत किसके द्वारा गाया गया है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हैं आपके पास में, जावेद अली, सोनू निगम, लता जी एंड आशा जी। तो चार ऑप्शन हैं यहाँ पर, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बेटा जावेद अली जी। तो ये गाना जो है वो जावेद अली जी ने गाया है, आप लोग इसे ज़रूर सुने, और रिलीज्ड बाय प्रकाश जावेडकर। तो ये जो हमारे जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कह सकते हैं कि मंत्री हैं प्रकाश जावेडकर जी, इन्होंने इसको रिलीज़ किया है। लिरिसिस्ट जो है इसमें अशोक श्रीवास्तव हैं, और म्यूजिशियन जो है, म्यूजिक जो है वो दुष्यंत जी का है। और इसमें जो इसका जो वीडियो बनाया गया है, या कह सकते हैं इसमें जो वीडियो क्लिपिंग आपको दिखाई देती है, उसमें गवर्नमेंट के तमाम सारे अचीवमेंट्स को भी देखने को मिलता है। इसमें चंद्रयान टू को भी इसमें दिखाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत नाम की जो ट्रेन चलाई है, हाई स्पीड ट्रेन, वो उसको उसके उसके इनॉग्रेशन के लिए, उसकी लॉन्चिंग के लिए भी इसको गीत में लिया गया है। देश के विभिन्न कोने और संस्कृतियों के बारे में भी इसमें फिल्माया गया है, और ये बहुत ही शानदार गाना है, आप इसको एक बार सुनिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, द बुक श्रीदेवी गर्ल वुमेन एंड सुपर स्टार इज रिटन बाई, एक किताब है जिसका नाम है श्रीदेवी गर्ल वुमेन स्टार सुपर स्टार, ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है चार, ऑप्शन कौन कौन से हैं, सत्यार्थ नायक, बोनी कपूर, दीपक चोपड़ा एंड राहुल बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेटा
सत्यार्थ नायक, क्या सही आंसर है इस क्वेश्चन का? सत्यार्थ नायक इज द राइट आंसर। सो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि 19 और 20 अगस्त से बनाए गए थे, और यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ज़रूर। सो इसको देखते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लाइक एंड कीप शेयरिंग एंड डू योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।